हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उदय इंडिया डिजिटल में। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने वाला पुण्य दिवस हिंदू नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। इस दिन से चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत होती है, जो 9 दिनों तक चलता है, जिसमें पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी, चौथे दिन कुष्मांडा देवी, पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी देवी, सातवें दिन माता कालरात्रि, तो 8वें और 9वें दिन महागौरी और सिद्धदात्री देवी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र माह की इसी तिथि के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन पहली बार सूर्य देव का पृथ्वी पर उदय हुआ था। इसी तिथि के दिन राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत आरंभ किया था, जिसे हिंदू नव संवत या नया साल कहा जाता है, यानी कि भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, गोवा और केरल में संवत्सर पड़वो, कर्नाटक में युगाड़ी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगाड़ी, कश्मीर में नवरेह, मणिपुर में साजिब नोगमा पनबा और पूरे उत्तर भारत में नवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। बता दें कि यह नववर्ष किसी जाति, वर्ग, देश, संप्रदाय का नहीं है, अपितु यह मानव मात्र का नववर्ष है। यह पर्व विशुद्ध रूप से भौगोलिक पर्व है, क्योंकि प्रकृति में भी वृक्ष, वनस्पति, फूल, पक्षियों में भी नयापन दिखाई देता है। इस दिन काफी खास महत्व है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इस दिन से पूरे देश में वृक्षों में नई नई कोपलें आती हैं, वसंत ऋतु का चारों ओर वर्चस्व दिखाई देता है, शरीर विज्ञान के हिसाब से मनुष्य के शरीर में नया रक्त बनता है, हर जगह परिवर्तन एवं नयापन दिखाई पड़ता है। रबी की नई फसल यानी कि पूरे 4 माह की एक किसान की मेहनत रंग लेकर घर में आने से कृषक के साथ संपूर्ण समाज प्रसन्न चित्त होता है, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। अब मैं आपको बता दूं कि वैसे तो देश के साथ आज पूरे दुनिया में 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से भारत भी भागीदार होता है। भारत में आज के समय में जितना हर्षोल्लास 1 जनवरी को देखने को मिलता है, उतना कभी भी भारत में हिंदू पंचांग के अनुसार मनाए जाने वाले प्रतिपदा नववर्ष पर देखने को नहीं मिलता। आज के समय में बस दिखावे के लिए 1 जनवरी को नया साल मना देते हैं। इस चीज में भारत बहुत हद तक पश्चिमी सभ्यता में लिप्त होता दिखाई दे रहा है। अब आपको बता दूं कि 1 जनवरी के नए साल में नया जैसा कुछ होता नहीं है, किंतु अभी चैत्र माह में देखिए नई ऋतुएं, नई फसल, नई पवन, नई खुशबू, नई चेतना, नया रक्त, नई उमंग, नया खाता, नया संवत्सर, नया माह, नया दिन, हर जगह नवीनता है। यह नवीनता हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। नववर्ष को शास्त्रीय भाषा में नव संवत्सर कहते हैं। इस समय सूर्य मेष राशि से गुजरता है, इसलिए इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं। लेकिन 1 जनवरी केवल एक दिन के लिए ही होता है, परंतु भारतीय नववर्ष विशेष तौर पर 9 दिनों के लिए होता है। नव संवत्सर बंगाल, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में तथा देश के लगभग सभी प्रांत में अलग अलग उत्साह के साथ मनाया जाता है। विभिन्न नामों से मनाया जाने वाला हमारा यह पर्व हर सनातन धर्मी के लिए काफी खास होता है। प्राचीन काल से मनाए जा रहे इस त्यौहार को आज भी पूरे देश में काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह प्रचलन आज भी दिखाई देता है। अब आपको बताता हूं कि नव वर्ष का प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व क्या है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही परम पिता परमात्मा ने यौवनावस्था प्राप्त मानव की प्रथम पीढ़ी को इस पृथ्वी माता के गर्भ से जन्म लिया था। इस कारण यह मानव सृष्टि संवत है। इसी दिन परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगीरा 4 ऋषियों को समस्त ज्ञान, विज्ञान का मूल रूप से संदेश क्रमशः
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में दिया था। इस कारण इस वर्ष को वेद संवत भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने इस विशेष समय और पर्व के बारे में आपको बताया, लेकिन साथ ही यह भी आग्रह करता हूं कि आप पश्चिमी सभ्यता को जरूर अपनाइए, पर साथ ही अपनी प्राचीन सभ्यता को भी याद रखें और उसे प्रथम दर्जा प्रदान करें। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी और भी जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।